हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बहुत सारे बच्चे ने पूछा कि सर आई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज़ इनकी जो लास्ट डेट है ना यार वो कल है अब यार देखो ये जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने कैंपस पे विजिट करा था मैंने बच्चों से बात करी है फैकल्टी से बात करी है जो पैकेज गेटर है जिनको अच्छे पैकेजेस लगी है उनसे भी मेरी बात हो चुकी है सो so, मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जेन्यन चीज़ें है बताऊँगा ऑल्सो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा ये कॉलेज आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं ऑल्सो हमारे कुछ जो सी सी के बच्चे हैं वो भी मुझे मिले वहाँ पे एंड उनसे भी मैंने बात करी थोड़ा ऑफ कैंपस उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत रियलिटी चेक भी बताए वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ एंड इवेंचुअली आप कॉल ले सकते हो कि आपको ये कॉलेज का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है बिफोर वी मूव हैड एक क्विक अपडेट कि इसकी जो लास्ट डेट है यार वो कल है 28 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी आपके पास एक दिन का समय है ये कॉल लेने के लिए अब ना पहले हम बात करते हैं कि यार मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा कैंपस पे सो so, मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा अब देखो यहाँ पर ये एक जो स्टूडेंट है ये वीडियो आने वाली है सब एडिट होकर आपके हमारे चैनल पर आ जाएगी आप देख सकते हो इस बच्चे को जो है पाँच साल का वर्क एक्स है ठीक है ना इमेजिन करो कि पांच साल वाला बच्चा वर्क एक्स लेकर वहाँ पर बैठा है सो so, ये बच्चे को है तकरीबन फाइव इयर्स का वर्क एक्स ये मेरे लिए भी शॉकिंग था दे थी टॉक अबाउट लुक एट दिस हर नेम इज़ खुशी एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार खुशी का जो पैकेज है उसको जो समर इंटर्नशिप लगी है वो लगी है मॉर्गन स्टैंडले में ठीक है अब अगर मैं पैकेज के बारे में बात करूँ गाइज इस बच्ची को उतना ही स्टाइपेंड मिला है जो वेलिंगकर वालों को मिला है जो के जे सोमया वालों को मिला है जो एट पार लेवल पे जो कॉलेजेस है ना वेलिंगकर और के जे के उतना ही पैकेज इस बच्ची को मिला है एंड वो गई है मॉर्गन स्टैंडले में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ये प्रोफाइल है ठीक है इसके आगे चलते हैं ये एक बच्चा है ये शशांक है बहुत स्मार्ट बंदा है ये ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है आई एस बी आर के मार्केटिंग का जो कमिटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट ये रह चुका है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट ही हैज़ ऑल्सो बिन प्लेस्ड And then we talk about last but not the least, her name is Ipshita. Ipshita has been placed. इन कंपनी कॉल्ड एस फिलिप्स अब आपको पता है फिलिप्स तो बहुत बड़ा ब्रांड है सो so, यार अगर कि मैं बच्चों के बारे में बात करूँ अगर मैं पीयर ग्रुप के बारे में बात करूँ तो यार यहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट्स भी है देर इज नो डाउट अबाउट जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर क्राउड यहाँ पे निकला टू बी वेरी ऑनस्ट एंड बैंगलोर इज अब यू नो वो सिलीकॉन वैली का जो एक चीज है ना वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है दैट इज अ रीजन बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं अब मैं आपको और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रखता हूँ मैंने बच्चों को यहाँ पे पूछा कि मेरे भाई बाजू में मतलब दो कदम की दूरी पे वेलिंगकर बैंगलोर बैठा है तुम वहाँ पे क्यों नहीं गए है ना फिर तुम्हारा नारसी मुंजी बैंगलोर भी बैठा है बिकॉज नारसी मुंजी के भी बहुत सारे बच्चे नारसी मुंजी छोड़ के एस आई बैंगलोर छोड़ के वेलिंगकर बैंगलोर छोड़ के बच्चे आई में आए हैं सो मैंने उनको पूछा कि यार आपने वहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन लिया एंड पता है सबसे बड़ी चीज़ बच्चों ने ये बोली कि सर यहाँ पे ना स्कॉलरशिप हमें मिली हमें यहाँ पे आर बहुत ज़्यादा अच्छा मिला इसलिए हम यहाँ पे आए हैं सो so, अगर आप देखोगे स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं इस अगर आपका ना ये वाला परफॉर्मेंस है से अगर आपको दो नब्बे आया है अगर आपको मान लो कैट वगैरह में अगर आपको 90 परसेंट एल का स्कोर आया है यार आपको ना 100 परसेंट स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आप इनके एडमिशन डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो सो so, अगर आप देखो एक आई एस यूर जैसा ब्रांड विच इज़ वेल नोन इन द यू नो बैंगलोर रीजन और यू नो टुवर्स द साउथ रीजन अगर मैं बात करूँ एंड नॉर्थ साइड में भी ये ब्रांड वेल नोन है ऐसा नहीं कि लोग इसको जानते नहीं है डेफिनेटली लोग इसको जानते हैं नो डाउट अबाउट दैट सो इनके बहुत सारे ब्रैकेट्स है स्कॉलरशिप uh, के 50 परसेंट वेवर है कहीं पे 25 परसेंट वेवर है इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं सो नंबर वन बच्चों की क्वालिटी अच्छी है हाँ जी है बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है इसलिए बच्चे आते हैं एंड दूसरा जो चीज़ मुझे लगा जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा वो था इनका आर सो so, अगर आप बात करेंगे इनकी दस लाख की ना फीस है ठीक है पकड़ लो डेढ़ लाख रुपया आपका सालाना है आपका हॉस्टल का लॉजिंग का वगैरह वगैरह सो so, आपके यहाँ पे तीन लाख जुड़ गए नौ लाख की फीस आई एम सॉरी नौ लाख प्लस आपकी तीन आपका बारह लाख में यहाँ पे एम होता है विच इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव दिस इज नंबर वन नंबर टू बच्चों ने बोला कि ये सो डेढ़ लाख है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं करना है बिकॉज आई एस बी आर विल नेवर फोर्स यू टू स्टे इन द हॉस्टल आप बाहर पीजी या फिर आप बाहर फ्लैट लेके भी रह सकते हो शेयरिंग में काउट्री करके भी आप रह सकते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है सो so यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर ओवाई इज रियली गुड अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे यार देखो मार्केट वैसे भी डाउन है अगर आप देखो टीयर वन टीयर टू कॉलेज की मतलब हालत ख़राब है मतलब मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी अगर आप देखोगे पचास परसेंट रिक्रूटर्स ही आए हुए हैं सो so, अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ आज जब मैं बात कर रहा हूँ पंद्रह लाख की इनकी हाइएस्ट सैलरी है अभी भी यहाँ पर प्लेसमेंट चल रही है बहुत अच्छी बात यह है कॉलेज की कि कॉलेज ने गिवप नहीं करा है अब मैं कुछ कॉलेज के बारे में बात करूँगा तो उन्होंने सीधा बच्चों को कहा था कि भाई आप ऑप्ट आउट कर लो सीधा प्लेसमेंट में आप मत बैठो है ना बट यार इनका ये फंडा नहीं है मैंने खुद बात करी है प्लेसमेंट कमेटी से मैंने खुद बात करी है एडमिशन हेड से प्लेसमेंट हेड से दे आर इनिशिएटिंग प्लेसमेंट वो कंपनीज को कैंपस पे लेके आ रहे हैं और बच्चों को अगर सही लगता है तो बच्चे अप्लाई कर देते हैं सो तो तकरीबन अगर आप देखोगे सत्तर परसेंट बच्चे मेरे ख्याल से प्लेस हुए हैं मार्केट टाइट है दे इज नो डाउट अबाउट दैट ठीक है थोड़ा बहुत और अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूँ यहाँ पे एवरेज आप पकड़ सकते हो अठारह लाख आठ लाख तक का आपका एवरेज जाएगा साढ़े सात से लेके आप पकड़ सकते हो आठ लाख तक की आपकी एवरेज जाएगी हाइएस्ट आपकी पंद्रह लाख है अब ये जो नंबर्स हैं अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो बट दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक व्यू ऑन यूट्यूब दैट एग्जिस्ट अबाउट आई टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज ये नंबर मैंने उनसे ही लिए हैं बच्चों से बात करी है और ये नंबर में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं हर एक बच्चा प्लेस हुआ है क्या नहीं हर एक बच्चा प्लेस करने की कोशिश होगी क्या दी आंसर इज डेफिनेटली येस एंड जो बच्चे प्लेस हुए है वो अच्छा लेवल पे बच्चा आप लोग प्लेस हुआ है देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट जल्दी हो जाती है कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट थोड़ी लेट हो जाती है ये सिनारियो हर कॉलेज में है अब मैं नाम नहीं लूँगा बट टीयर टू के भी जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी अभी तक हंड्रेड प्लेसमेंट नहीं हुई है क्या इनकी लास्ट ईयर प्लेसमेंट अच्छी थी यस इनकी लास्ट ईयर प्लेसमेंट अच्छी थी इस बार मार्केट थोड़ा सा आम, यू नो वियर्ड होने की वजह से थोड़ा मार्केट डाउन होने की वजह से यहाँ पे थोड़े से पंगे आपको मिलेंगे ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पे बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी आपको क्या इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होगा एक आई एस बी आर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आप कैट के थ्रू जा सकते हो आप एन के थ्रू जा सकते हो है ना इनका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है एक पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होता है कोई ज़्यादा तोफ़ चीज़ नहीं है एट सच आराम से आप क्रैक कर सकते हो चीजें डुएबल है मैनेजेबल है अगर आपने थोड़ा बहुत एफर्ट्स मारा तो मुझे लगता है कि आई थिंक यू शुड बी फाइन ठीक है अगर मैं बात करूँ इनके थोड़ा बहुत प्लेसमेंट्स के बारे में प्लेसमेंट्स में अगर मैं बात करूं अगर आप मुझे कहते हो कि सर प्लेसमेंट अच्छे है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा देखो जितने भी प्लेसमेंट्स अभी हुए हैं ना वो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट्स लगे हैं बच्चों के मॉर्गन सैनले वगैरह जहां पे मैंने जिक्र किया है ठीक है अब अगर मैं दूसरी बात करूँ अगर प्लेसमेंट्स को लेके हम बात करते हैं तो जो रेगुलर रिक्रूटर्स हैं वो कैंपस पे आए हैं वो डेफिनेटली आए हैं इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा स्लो होने की वजह से हर एक बच्चा अभी तक प्लेस नहीं हुआ है बट इवेंचुअली वो हो जाएगा एंड जो जो बच्चों को प्लेसमेंट लगी है दे आर सुपर उपर हैप्पी अबाउट इट फाइन मैं थोड़ा बहुत आपको प्लेसमेंट का डेटा भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा आई होप आई कैन पुल दिस ऑफ ऑल राइट सो अब जरा थोड़े देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो देखो ये जो रोल्स है ना ये मैं खुद वहां पे देख के आया हूं सो नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एनालिस्ट ये फाइनेंशियल एनालिस्ट यस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर डेफिनेटली यस मार्केट रिसर्च एनालिस्ट डेफिनेटली यस प्रोडक्ट मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर ये रोल्स कैंपस पे बच्चों को मिले हुए हैं रिसर्च एनालिस्ट भी मैंने बच्चे से बात करी तो वो रिसर्च एनालिस्ट में गया था सो so गाइज ये जो रोल्स है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दीज आर ऑल गुड रोल्स एट एंट्री लेवल थोड़ा बहुत अगर हम देखते हैं सेक्टर वाइज प्लेसमेंट के बारे में यार देखो एफ एम सी जी में एड टेक में लॉजिस्टिक में आई टी आई टी एस में बी एफ एस आई में कंसल्टिंग में आपको प्लेसमेंट जहाँ पे भर भर के मिलेगी मैंने बच्चों से पूछा कि भाई एक बात बताओ कि आपका जो कॉलेज जे आइस वी आर वो मार्केटिंग के लिए अच्छा है या फाइनेंस के लिए अच्छा है मैं सच कहता हूँ 95 फाइव परसेंट बच्चों ने कहा सर हमारा नाम मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है बट टू माई सरप्राइज फाइनेंस इज आल्सो डूइंग रियली गुड बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजन यार यहाँ की जो फैकल्टी है ना फाइनेंस की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है दूसरी बात अगर हम करेंगे सो so, फाइनेंस में यहाँ पे ब्लूमबर्ग टर्मिनल वगैरह रॉयटर टर्मिनल वगैरह भी इन लोगों ने रखा हुआ है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कुछ बच्चे हैं जिस जिस बच्चे का मैंने इंटरव्यू करा है वो बच्चे को भी बहुत सारा वर्केक्स था फाइनेंस में उसने आई एस बी चूज़ किया सो so, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनकी ये प्रेफर्ड चॉइस है देखो यहाँ पे कंपनीज़ ऑन द कैंपस है ये हर साल चेंज होते रहता है मार्केट डाउन होने की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा टर्न अप इस बारी कम होगा बट येस दिस इज यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन टू हो गया गार्टनर हो गया ग्रैंड uh, थॉर्टन हो गया ये कंपनीज हर साल कैंपस पे आती है सो so अगर आप एक बार कंपनीज़ का भी अगर आप पोर्टफोलियो देखते हो टी वगैरह ये आपको मिल जाएगा मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आईटी कंपनीज़ में प्लेसमेंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज यार कॉलेज के बाहर निकलते ही आपको इन्फोसिस विप्रो जेनपैक कैप जिमिना ये बाजू में मिलेंगे एक्चुअली ना कहा जाता है बैंगलोर में अगर तुम पत्थर भी मारोगे ना तो वो जाके एक ना एक आई कंपनी को ही लगने वाला है सो so, जॉब की यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अब मैं थोड़ा रियलिस्टिक लेवल पर बात करता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जॉब ही हमारे लिए मैटर करता है देखो यार सिंपल सी बात है इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट अगर आपको लगता है मेरे में पोटेंशियल है मैं फाड़ सकता हूं तो आप आई एस बी आर ले सकते हो बिकॉज बच्चों ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी करी है दूसरी बात जो कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी है उसमें भी अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राइट right? सो so, हर कॉलेज में दो टाइप के बच्चे अगर तीन टाइप के बच्चे होते हैं टॉपर मीडियम एंड बॉटम राइट सो इफ आर अ गुड स्टूडेंट इफ यू बिलीव कि मैं अच्छा खासा कर सकता हूँ मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए मेरे को आर अच्छा चाहिए मेरे को कम पैसे में एम बी करना है देन आई एस बी आर कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शन भी मार्केट में देख सकते हो ये मेरा एक अनबाइस्ड पूरा का पूरा रिव्यू था आई एस बी आर के लिए येस yes, कैंपस बैंगलोर में है कैंपस अच्छा सा है कैंपस का रिनोवेशन भी अभी हो चुका है आप जाके देख सकते हो एक बार अपना खुद ड्यू डिलीजनस आप कर सकते हो बच्चों के साथ आप बात कर सकते हो लिंकिन पे एलोमनाय के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मैं कहूँगा कि अवॉइड करो स्टूडेंट के साथ बात करना क्यों बिकॉज थोड़े सेंटीमेंट मार्केट में सही नहीं है आई वुड ऑलवेज प्रीफर टू टॉक टू समबडी जो ट्वेंटी ट्वेंटी बैच का पास आउट है बिकॉज अभी उसको कम से कम मार्केट में तीन साल हुआ है तो वो बंदा एक्चुअल पोटेंशियल बता सकता है तुमको किसी भी कॉलेज के बारे में सो so, आप जाओ एलोमनाइ से बात करो बट येस मेरा विजिट रहा आई एस बी आर को एंड उस विजिट में जो भी मुझे सही लगा जो भी मैंने बच्चों से बात किया जितने भी बच्चे यहाँ पे मैंने इंटरव्यू कराए हैं से वाले उनका मैंने फीडबैक आपको दिया है नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कल लास्ट डेट है इट कैन बी टेकन एज अ डिसेंट ऑप्शन आई होप ये वीडियो आपने आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो एक बार ही लाइक कर देना और ये वीडियो शेयर भी कर देना दैट्स इट फ्रॉम माई सेट गाइज टेक केयर एंड बाय